बहुत सारे लोग हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, तो वो आपको गिराने की कोशिश करेंगे। सो गाइज, वेलकम टू द व्लॉग। आई होप यू एंड योर फैमिली आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड यू गाइज आर रॉकिंग। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। मैंने खाना खा लिया है। मैंने बनाया था आलू बैंगन की सब्ज़ी। ये ना ऐसी वाली सूखी सब्जी प्लेन राइस के साथ खाना बहुत पसंद है, मतलब एकदम स्मैश करके। अभी फिलहाल काम के लिए मैं बाहर जा रही हूँ। मैं देखती हूँ कितना आपको दिखा सकती हूँ, उसके बाद कट्टू शाम में मिलूंगी अगर मैंने अभी कुछ नहीं दिखाया तो। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ग्रोफर से मंगाया सामान। वेयर द एप्रन, बिकॉज अभी मैं सबसे पहले फ्राई करूंगी फिश को। मैंने आपको दिखाया था, मैंने मैरिनेट करके रखा था, करीब 1-1.5 घंटे पहले ही मैरिनेट करके रखा था। मैचिंग मैचिंग माई क्लोथ्स, लेट्स स्टार्ट। ये जो फिश का मैरिनेशन बाकी है, इसको मैं वेस्ट नहीं करूंगी। जब मैं बिरयानी का प्रॉपर मसाला बनाऊंगी अनियन टोमेटो के साथ, इसको भी उसके अंदर मिक्स करूंगी। आई विल नॉट वेस्ट दिस, इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। ओह माय गॉड, मैं क्या बोलने वाली थी, मैं भूल गई मेरा हाथ देख के। जिस लुक एट दिस, मेरे हाथ पीले हो गए गाइस। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि व्हाई डोंट यू एक्ट इन मूवीज अगेन। सो लेट मी टेल यू, एक्टिंग इज़ अ पैशन फॉर मी। ओके, इट विल ऑलवेज बी अ पैशन। एक्टिंग मेरे लिए कभी ऐसा नहीं था कि मुझे फेमस बनना है, या एक्टिंग मेरे लिए ऐसा नहीं था कि मुझे पैसे कमाना है। एक्टिंग मेरे लिए पागलपन नहीं था, एक्टिंग एक पैशन था। मौका मिला एक्टिंग करने का बब्बू मान जी के साथ, जो जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। एंड उनके साथ काम करने के बाद ऐसा लगा कि इसके बाद मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस फिल्म से पहले मैं मुझे सोनी टीवी ने ऑफ़र किया था CID स्पेशल ब्यूरो, बिकॉज इट वॉज़ अ वेरी बिग सीरियल। मुझे ऑफ़र किया गया तो माई पेरेंट्स सेड कर लो। उसके बाद मुझे बब्बू मान की ये फिल्म मिली एंड वो तो मुझे करना ही करना था। उसके बाद मैं इतनी सेटिस्फाइड हो गई थी कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे फिल्म्स करनी ही नहीं है। एक्चुअली मेरा माइंड जो है ना, इट इज़ मोर ऑफ डूइंग बिजनेस और डूइंग सम काइंड ऑफ मैनेजमेंट, किसी चीज़ को ग्रो करना। सो दैट इज़ वाई। एंड देन आई गॉट इनटू इवेंट ऑर्गेनाइजेशन। मैं बहुत अच्छा कर रही थी, मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के काफ़ी मैंने इवेंट्स किए हैं। मैं आप लोगों से बात करते करते मेरा फिश ही भूल गई। बेसिकली जो भी हो, मैं अभी फ़िलहाल एक बहुत ही अच्छे स्पेस में हूँ। मेरे ज़िंदगी के बहुत ही अच्छे पलों को मैं जी रही हूँ। आई एम ट्राइंग कि मैं यूट्यूब में भी अच्छा काम कर पाऊँ। यूट्यूब मुझे इसलिए पसंद आ रहा है बिकॉज अगेन इट इज़ माई थिंग, इट्स माई वर्क, आई कैन डू इट एनी हाउ आई वॉन्ट। सो इट इज़ सम काइंड ऑफ अ बिजनेस। एंड येस, मेरा क्रिएटिव पार्ट, माई एक्टिंग पार्ट भी इसमें निकल के आ रहा है, तो 2-in-1 हो रहा है मेरे लिए, विच आई एम इन्जॉइंग। जितना मुझे मज़ा आ रहा है वीडियोज़ बनाने में, आप लोगों को भी मज़ा आ रहा हो देखने में। अगर देखने में मज़ा आ रहा है, डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक बटन। किसी के साथ जाते हैं वापस किचन में। सो ये बचा हुआ ऑयल जो एंड जो मसाला है, ये थोड़ा सा डाल दूंगी, फिश का फ्लेवर आ जाएगा इसमें। सो गाइस, दिस इज माय फेवरेट मोमेंट इन कुकिंग, गरम तेल में प्याज डालना और जो छर 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 वाली आवाज आती है, जस्ट लव इट। या बेबी, फॉर मी द होल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग, एंड स्पेशली मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। मैं बिग फूडी, जिन्होंने मेरे पास्ट के ब्लॉग्स देखे होंगे उनको पता है, क्योंकि हम नॉनवेज बना रहे हैं तो अदरक लहसुन पेस्ट थोड़ा ज्यादा ही जाएगा हमेशा। ये जो मसाला है, जो फिश का मैरिनेशन बचा हुआ है, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, शाही गरम मसाला। ओके, आपके हिसाब से आप गरम मसाला डाल सकते हो, मुझे गरम मसाले का फ्लेवर ज्यादा पसंद है। एंड टोमेटोस, राई को हमने डालना था जब तेल गरम होता है, बट नेवर्थलेस जहाँ पे तेल है अभी फिलहाल वहीं पे डाल देते हैं इसको। थोड़ा सा ही डालेंगे, इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा था। ओह माय गॉड, मैं कड़ी पत्ता भी भूल गई। क्या हो रहा है मुझे, मैं बालकनी में आई हूँ बिकॉज मेरा कड़ी पत्ता जो है वो बालकनी में है। एंड इट्स आउट हियर माय कड़ी पत्ता, इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा है। ओह माय गॉड, ये शॉट कितना अच्छा लग रहा था। ऐसे जब हल्का से नीचे से जलता है, मुझे लगता है कि खाने का फ्लेवर और भी निखर के आता है, मतलब वो ढाबे वाली फील एंड फ्लेवर आता है। और मसाला इज ऑलमोस्ट रेडी, आप देख सकते हो तेल निकल गया है। चावल अभी हम बॉईल करेंगे। यार मैंने अनियन जो है वैसा वो फ्राई नहीं किया है, एंड मेरे में इतना पेशेंस नहीं है अभी बैठ के वापस अनियन काटो उसको फ्राई करो। सो चक दैट, हम सिर्फ लेयर में मसाला डालेंगे एंड फिश को बीच में डालेंगे, एंड हमारी बिरयानी बन जाएगी अराउंड 8 बजे तक बन जानी चाहिए। ओह माय गॉड, मेरा पूरा स्क्रीन
पे हल्दी मिर्ची पता नहीं मसाला कितने सारे मसाले मेरे स्क्रीन पे पूरे चिपक ही गए. एनी विच वे गाइज आई एम सो डम. यू नो ऐसा ही होता है एक्चुअली वेन एवर यू आर कुकिंग एंड यू आर शूटिंग आप भूल जाते हैं. जैसे मैं कड़ी पत्ता राई ये सब भूल गई. जो मेन मसाला है मेरी मम्मी जो प्रॉन्स पुलाव में डालती है मद्रास करी पाउडर वो भूल गई मैं. वो डालना चलो है. डालते हैं. तो ये पाउडर डाल दिया मैंने मद्रास करी पाउडर. एंड में इसको जो है कोथमीर डाल के बंद करेंगे. अगेन आई फॉरगॉट डोंट फॉरगेट कोथमीर बहुत सारा डालना मतलब मुट्ठी भर के कोथमीर डाल दो. ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर. माय गॉड लिटरली पीले हो गए हैं. व्हाट इज दिस मेरे हाथ पीले हो गए. और एंड में हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट. जैसे मैंने कहा था मैं हर एक चीज़ भूल रही हूँ. तो इसमें आधा कप पानी डाला है. देखो इसे 2 मिनट और पकाएंगे फिर इसको बंद कर देंगे. आई एम लिटरली सो टायर्ड गाइस. एंड पूरे बालों में पूरा ओ ओ ओ ओ माय नेल इज चिप्ड. तभी पता चला क्योंकि वैसे जब मैं कर रही थी तो बालों में फंस गई थी. देखो जब खाना पकाते हो या तो आप नेल्स रख लो या तो आप खाना पकाओ दोनों में से एक. सो मेरे पूरे बॉडी में से एंड स्पेशली बालों में जो है फिश की स्मेल आ रही है विच आई रियली डोंट लाइक. एंड मैं सोने से पहले वापस नहाऊंगी क्योंकि आई डोंट लाइक टू स्मेल लाइक फूड व्हेन आई एम स्लीपिंग इन द नाइट. यार चाय पिए या नहीं पिए पहले इसको तो काटना पड़ेगा. सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा. चाय पिए के कॉफ़ी पिए के पहले तो इसको निकाल ले नीलू. हाँ ओह माय गॉड. सो बेसिकली आई एम सो स्टूपिड राइट नाउ. आई वॉज सो हंग्री कि मैं शूट करना भूल गई. खाना लिया एंड फटाफट खा लिया. उसके बाद अभी जब मैं बैठी स्प्राइट पीने के लिए तो मुझे रियलाइज हुआ आई डिडंट शूट एंड आई एम सो वेरी एंग्री एंड आई एम फुल राइट नाउ. बट एक्चुअली मैं गाइस क्या हुआ था मेरा हिसाब किताब जो चावल का था चावल कम पड़ गया मसाला बहुत ज़्यादा हो गया. बट इट वॉज सो वेरी टेस्टी. आई हैव लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्स एवर रीजन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन. मैं आपको बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ मिलूंगी. तब तक आप अपना ध्यान रखिए. आई लव यू माई क्रेजी पीपल. बाय बाय. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. A very, very good morning and Jumma Mubarak to all of you all.